कुछ नहीं हुआ है उसे। आपकी बेटी जिंदा है, एकदम सही सलामत है। वाली जो छोटी वाली डॉल है वो है वंदना के लिए। थैंक यू। और ये जो बड़ा सा डॉगी है, मैंने सोचा कि मैं ये जानकी के लिए ले लूं। जानकी तो घर में नहीं है, वो स्कूल गई है। जानकी घर में नहीं है, स्कूल गई है। मतलब ये जो बड़ा वाला डॉगी है मुझे वापस करना पड़ेगा। मैं इसे वापस कर देता हूँ। अरे 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 कैसे कैसे अच्छा बाबा ये रहा आपका डॉगी। लेकिन डॉगी से पहले यस ये रहा आपका डॉगी और ये मेरा। जानकी को चॉकलेट चाहिए तो ओके चॉकलेट 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 धीरे 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 तू जानती है हॉस्पिटल में मुझसे मिलने कोई नहीं आया, न कुनाल आया, न भैरवी आई, चीकू भी नहीं आई। पापा कहा
मुझे? आपने बिल्कुल ठीक सुना। सुमित, देखो तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास है, देखो इसे। लेकिन लेकिन नंदा, हम प्रताप जी को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उनसे? उन्हें सब मालूम है। मालूम है कैसे? बेटी के लिए इतना परेशान हो रहे थे, उससे तो बात करो। देखो तुम्हारी जानकी तुम्हारे पास है। तुम कहते थे ना कि हमारा परिवार अधूरा है। अधूरा नहीं है सुमित, इस जानकी में कुणाल, भैरवी, चीकू सब समाये हैं। खून है हमारा ये। मुबारक हो भाभी। भाई वृंदा तो आपकी समधन निकली। कहाँ? लेकिन जानकी शादीशुदा है, ये बात छुपाने की क्या जरूरत थी? जरूरत है भावना। तुम जानती हो ना कि सुमित जी को कितना बड़ा हार्ट अटैक आया था। 4 साल कोमा में रह चुके हैं वो, और उसके बाद अपने बच्चों की मौत की खबर सुनकर कितना बड़ा सदमा पहुंचाया उन्हें। अब तो उन्हें जो कुछ भी खबर देनी है वो धीरे धीरे देनी चाहिए। फिलहाल तो उनके जीने की उम्मीद एक ही है, जानकी। कहाँ? हाँ, पर कहीं उनके जीने की उम्मीद ही उनकी जिंदगी में तूफान न खड़ा कर दे। तुम कहना क्या चाहती हो? भाभी, डोंट फील बैड। अपने बच्चों की मौत की खबर सुनकर सुमित जी को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। बीमार हो गए थे वो। क्यों? क्योंकि उनकी जीने की उम्मीद, उनके जीने का मकसद ही खत्म हो गया था। तो ये कि जब उन्हें पता चलेगा कि जानकी शादीशुदा है और अब वो उनके साथ नहीं रहेगी, तो क्या वो ये सदमा झेल पाएंगे? लेकिन उन्हें ये बात भी तो बताना जरूरी है कि जानकी की शादी हो चुकी है, वरना क्या वो अपनी कुंवारी बेटी को हमारे घर रखेंगे? उसे लेकर अपने साथ दिल्ली नहीं चले जाएंगे? है भाभी, इसका मतलब हमारी जानकी हमारे साथ नहीं रहेगी? हंस तो। ऐसे कैसे नहीं रहने देंगे? अब तो उन्हें ये सच्चाई बतानी ही पड़ेगी किसी भी हालत में। रोहित, पता है बिंदिया, ऐसा मैंने सिर्फ टीवी सीरियल्स में होते हुए देखा है, पर यहां पहली बार रियलिटी में ऐसा होते हुए देख रहा हूं। और जब ऐसा ही ट्रैक हमने अपने सीरियल में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, तो प्रोड्यूसर ने उसे बोरिंग और घिसा पिटा हुआ कहकर रिजेक्ट कर दिया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन किस खुशी में तुमने मीटिंग कैंसिल की है? घर का माहौल ऐसा है कि मेरा काम करने का मन ही नहीं हो रहा। लेकिन अब क्या हुआ है? सब कुछ तो ठीक हो गया है। बिंदिया, मैं जानता हूँ कि जानकी ने सिर्फ सुमित मासा जी की जान नहीं बचाई, बल्कि उन्हें जीने का एक मकसद भी दिया है। लेकिन फिर भी पता नहीं कुछ हो है। काम तो करना ही पड़ेगा। तुमने कहा था ना कि अगर बैंक नहीं बना तो प्रोटेक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, सारा बर्डन प्रोड्यूसर पर आएगा और उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो
तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरे होते हुए काम में ढीली होनी चाहिए। नो वे। ठीक है, अब तुम कह रही हो तो मैं कैसे भी करके, चाहे मुझे रात भर भी जगना पड़े, मैं तीनों एपिसोड खत्म कर दूंगा। ठीक है। जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं कि मैंने आपसे इतनी बड़ी बात छिपाई। वो सब छोड़िए वृंदा जी, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि अब सुमित जी को ये सच्चाई बता देनी चाहिए कि जानकी शादीशुदा है? इतना तो आप भी समझती हैं कि छुपाने से सच्चाई बदला नहीं करती, और हम आंख बंद भी कर ले तो भी दिन तो दिन ही रहेगा, रात तो हो नहीं जाएगा। मैं जानती हूँ इंदिरा जी, सच ना स्वीकारने से झूठ नहीं हो जाता। ये भी मानती हूँ कि सच्चाई चाहे जितनी कड़वी क्यों ना हो, स्वीकारनी पड़ती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि सुमित को चोट पर चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, और मुझे डर है कहीं जानकी शादीशुदा है ये सुनकर अगर उन्हें कुछ हो गया तो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था बिंदा जी, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके सुमित जी को सब कुछ बता दीजिए, क्योंकि घर के सारे लोग इस बात को ज्यादा दिन तक तो नहीं छुपा पाएंगे ना उनसे, और फिर गलती से भी किसी के मुंह से कुछ निकल गया तो। दूसरी तरफ आपको भी तो ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी कि इन्हीं सारी बातों की वजह से घर के बड़े बुजुर्ग जी काका मीठी बा इन सारे लोगों को बात बात पर झूठ बोलना पड़ रहा है। मुझे गलत मत समझिएगा वृंदा जी, लेकिन यही वो सारी बातें होती हैं जिनकी वजह से रिश्तों में दूरियां पैदा हो जाती हैं। तब जी, मैंने और वृंदा ने हमेशा इस बात को अपने दिल में छिपा कर रखा। अपने बच्चों की मौत की खबर सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया हो, मार डाला था मुझे। लेकिन अपने बच्चों के रूप में जानकी को मैंने पा लिया, और ये सब आपकी बदौलत है, आपकी बदौलत। बेटी तो सुमित जी हमेशा आप ही की थी, मैंने तो सिर्फ उसे पाला है। जन्म देने वाले से ज्यादा पालने वाला बड़ा होता है जीजा जी। जानकी को आपने प्यार दिया, संस्कार दिए, एक अच्छी जिंदगी दी। जानकी पर हमसे ज्यादा आपका अधिकार है, वो आपकी बेटी थी और आपकी बेटी रहेगी। आप दोनों की बातें सुनकर आज मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। प्रताप जी, परिवार के नाम पर हम दोनों के पास सिर्फ हमारी जानकी है। और मैंने तय किया है कि अब मैं अपनी बेटी को कभी अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा। मैं आपका एहसान मंद हूं। अब सुमित को कैसे समझाऊं कि जानकी की शादी हो चुकी है और ये उसकी ससुराल है? ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है आपने।
इट्स रियली गुड कि मिस्टर देसाई इस ट्रॉमा से वापस आ गए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब परेशानी यह है कि वो अब तक नहीं जानते कि जानकी शादीशुदा है। उनको जो कुछ भी बताना होगा धीरे धीरे बताना होगा। और मिस्टर समीर, मैंने आपको कहा था कि अमेरिका में डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस सिर्फ 3 दिन के लिए है। अगर सुमित जी को आप उनसे पहले यहाँ लेके जाएं, तो उनके लिए बेहतर होगा। जी डॉक्टर। दरअसल बहुत ही इमोशनल है वो, इनको अभी भी दिमागी ट्रीटमेंट और रेस्ट की बहुत ही जरूरत है। अब मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। आइए डॉक्टर साहब। मैं माफी मांगना चाहती हूँ आप सबसे, मेरी वजह से आप सब काफी परेशान हुए हैं। ये कैसे बात करती हो वृद्धा? अपनों के लिए कोई कुछ करता है तो उसे परेशान होना नहीं कहते। और वैसे भी अब तुम हमारे घर परिवार में शामिल हो चुकी हो, अब तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है। थैंक यू मिट्टी। और आज के बाद अगर तुमने ऐसी बातें की ना, तो मैं तुमसे बात करना ही छोड़ दूंगी। हाँ कैसे हो समीर जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा समीर, ये मेरी बेटी जानकी। तुम तो कभी मिले नहीं होगे। और जानकी, ये है समीर, मेरे कुणाल का बेस्ट फ्रेंड। सुमित बेटा, बहुत समय ले लिया तुम्हारा, अब तुम आराम करो, हम लोग चलते हैं। कैसी बात कर रहे हैं काका? ये आप ही का तो घर है, मेहमान तो मैं हूं। काका एक गुजारिश है आपसे, अगर आप इजाजत दें तो। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? काका, ईश्वर की कृपा से अब मेरी तबीयत काफी ठीक हो गई है, और मैं अब अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूं। ये परिवार भी तो तुम्हारा ही है। हाँ मैं जानता हूं काका, ये परिवार भी तो मेरा ही परिवार है, लेकिन अपनी जिंदगी के जो 4 साल मैंने गंवाए हैं, उनका हिसाब मैं वक्त से लेना चाहता हूँ काका। एक एक पल इस तरह से जी लेना चाहता हूँ काका कि मैंने ये 4 साल गंवाए ही नहीं, मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ, अपने घर दिल्ली वापस जाना चाहता हूँ काका, अपनी वृंदा के साथ, जानकी के साथ। जानकी के साथ। Thank you.